नेरुल के सिरोने गांव में 3 दशक पुराने दुकानों को जमीन दोज कर दिया गया, जिसमें लगभग 25 दुकानें थी और सबों के घरों का चूल्हा इसी दुकान के भरोसे चलता था। अब 25 परिवार भुखमरी के शिकार बन गए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि जिस जगह पर बैठकर 3 दशक से अपना कारोबार चला रहे थे, उस जगह को सिडको और महानगर पालिका के कर्मचारी अवैध बता रहे हैं। अगर यह जगह अवैध था तो सिडको और महानगर पालिका 3 दशक तक क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? उन्हें तब क्यों नजर नहीं आया? और तो और, महानगर पालिका इसी जगह पर बैठने और व्यापार करने का कई लोगों को लाइसेंस भी दिए हैं। साथ ही कई लोगों को महानगर पालिका ने 10-10 हजार रुपए का लोन भी दिए और अब उन्हें उजाड़ दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, वो मेहनत कर अपना परिवार पाल रहे थे, ये जुर्म है क्या? नवी मुंबई की बात की जाए तो सिडको कर्मचारी और महानगर पालिका के कर्मचारी अवैध निर्माण को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि आंख बंद करने के एवज में उन्हें चढ़ावा चढ़ा दिया जाता है। सिडको के कर्मचारी और महानगर पालिका के कर्मचारी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते तो आज एक भी अवैध इमारत नजर नहीं आती और आज भी यह सिलसिला थमा नहीं है। पर यह अधिकारी उन इमारतों को छूने से कतराते हैं। वजह यह है कि अवैध निर्माण करने वाले लोग इन सरकारी कर्मचारियों की जेबें गर्म कर देते हैं, पर सड़क पर बैठे हुए 3 दशक से जो कतरा कतरा अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, भला वह सिडको या महानगर पालिका के अधिकारी को क्या देते? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि माना यह सब सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे या गुनाहगार हैं, पर उन सरकारी बाबुओं का क्या जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं किए, जिन्हें अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, छुड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वह 3 दशक से कहां सोए हुए थे? वह कसूरवार है या नहीं? चलिए, जिन लोगों का सहारा छीन गया उन लोगों से मिला, उनसे बात किए, सुने उनका क्या कहना था। माता जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुलोचना चंद्रकांत पवार। अच्छा सुलोचना जी, ये बताएं कि यहाँ पर किस तरह का कारोबार था आपका यहाँ पर? ये वड़ा पाव का। वड़ा पाव का। कितने साल से यहाँ पे आप अपना वड़ा पाव का स्टॉल लगा रहे हो? 90 साल में चालू किए। सर, 90 में चालू किया, यानी 33 साल हो गए आपको? 82 में 23 साल बराबर। अच्छा, यानी 2 दशक से ज्यादा हो गया यानी कि आपके पास। अब ये बताएं कि अब जो ये टपरी टूट गई है आपकी, तो अभी कोई इनकम का सोर्स ऑफ इनकम यानी कि इनकम का साधन कोई नहीं है? काम पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब थोड़ा कार्रवाई हुई तो आपको क्या बोला गया? मैं तो इधर नहीं थी ना, मैं उधर गई थी, घर पे गई थी। आप घर पे थे तो मालूम ही नहीं था, अचानक आए ना वो लोग। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? विश्वास तुकाराम गोले। गोले, हाँ। गोले जी, ये बताएं कि यहाँ पे आपका टपरी था क्या? हाँ था ना। अच्छा, यहाँ पे टपरी था। अच्छा, ये बताएं कि टपरी था तो आपने महानगर पालिका से लोन वगैरह भी लिया था? हाँ लिया था, लोन लिया था। कितना लिया था? 10 हजार लिया था। और लोन लिया था 10 हजार? 10 हजार। इसके अलावा भी कहीं से लोन लिया था? पदपेड़ी से एक लिया, न्यू बॉम्बे का। पदपेड़ी से कितना लोन लिया है? 1 लाख। 1 लाख रुपया। अब ये बताइए, कुल मिलाकर 1,10,000 रुपए आपके ऊपर हो गया है, तो अब कैसे लोन चुकाओगे? अभी कैसे चुकाएगा? ये जाएगा तो भी जाएगा, तोड़ दिया टपरिया, अभी क्या करेगा? कोई जरिया नहीं है अभी, अभी कुछ नहीं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? चंद्रकांत पवार। चंद्रकांत जी, ये बताएं कि इस यहाँ पर आपका टपरी हुआ करता था क्या? कितने साल से यहाँ पे कारोबार कर रहे थे आप? 84 से यहाँ पर। 84 से जब आप यहाँ पे बैठे तो किसी ने रोका नहीं कि आप यहाँ पर क्या, ये जगह अवैध है वगैरह वगैरह? कोई महानगर पालिका के अधिकारी कभी मिले आपसे? मिले मगर कुछ किए नहीं। कुछ किए नहीं, कुछ किए। तो आप ये बताइए कि 84 से अब जो है 2003 चल रहा है, लगभग 3 दशक हो गए, अब जो महानगर पालिका ने तोड़ा तो क्या बोलकर ये तोड़ दिया? ये वो बोलते हैं, सिडको वाले आए थे और सिडको वाले बोले कि महानगर पालिका वाले ने जो तुमको दिया है वो तुम्हारी को पैसा खाने के लिए खाली दिया है। अच्छा, हमारी जगह आपने आपने लोन लिया था कुछ महानगर पालिका से? महापालिका से लोन मेरे बीवी ने लिया था। कितना कितना लिया था? 10 हजार। 10 हजार रुपए। आप जैसे बहुत सारे लोग महानगर पालिका से लोन लिए थे? हाँ, बहुत सारे। अच्छा, एक तरफ लोन दिया और दूसरे तरफ जो अपना टपरी तोड़ दिया गया। हाँ, अब कैसे जियोगे? कोई दूसरा जरिया है आपके पास? कुछ नहीं है। आपका नाम जानना चाहेंगे? सतेंद्र रामादास। अच्छा, ये बताएं कि ये जो यहाँ पे दुकानें तोड़ी गई है, इन दुकानों में क्या आपका भी कोई टपरी था? गैरेज जी। कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे थे? 22 साल हो गए।
महानगर पालिका ने तोड़ा कार्रवाई को अंजाम दिया जी। जिस तरह की जानकारी मिली है कि महानगर पालिका कुछ दिन पहले लोगों को लोन भी दिए थे, उसमें क्या आपने भी लोन लिया था महानगर पालिका से? महानगर पालिका से लोन नहीं लिया था। नहीं, आपको अपना आईडी प्रूफ दिखा दिखा के लोन लिया बाहर से। आपने बाहर से लोन लिया है? बाहर से लोन कितना लिया आपने? बीस लाख रुपया है। अब ये बताइए कि जब थोड़ा कार्रवाई हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो अब लोन की किस्तें कैसे चुकाओगे आप? कैसे चुकाओ, देखो बाद में कैसे, अभी क्या होता है, अभी बनता है कि नहीं बनता, बनने के बाद हो सकता है। आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद है कि यहाँ पे जो है आपके नहीं, नहीं, चांस कम है, फिर भी देखते क्या होता है। अच्छा, उम्मीद पे है कि कोई शायद महानगर पालिका को तरस आ जाए और आपका जो है वापस से। आपने भी 50,000 रुपया लोन लिया था, आपकी टपरी थी? मैं इतना जानता हूँ कि 1994 से लगा रहा हूँ यहाँ पे। 1994 से लगा रहे हैं, लेकिन सिडको ने मतलब महानगर पालिका ने आके आपका टपरी तोड़ दिया। हाँ। कुछ बोला आपको ये क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा जा रहा है? कुछ नहीं बताया। इसके अलावा कोई आसरा है, अभी कुछ कर पाओगे आप? अभी क्या कर सकता हूँ मैं, मामूली आदमी क्या कर सकता हूँ। मोदी साहब ने बोला था सबका साथ सबका विकास, तो आपका विकास हो गया? हाँ, विकास हो गया, तभी तोड़ गया, विकास विकास ही हुआ। मोदी साहब ने विकास करवा दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त मेरुल के सिरोना में हूँ, और सिरोना गांव कहा जाता है इसको। आज से मात्र एक दिन पहले महानगर पालिका ने इन दुकानों को जमींदोज कर दिया गया, जिसकी वजह थी कि उनको अवैध नज़र आ रहा था। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि महानगर पालिका ने ही इनको लाइसेंस बाकायदा दिया था, और पिछले 30 सालों से यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे थे। हैरत की बात तो ये है कि महानगर पालिका ने इन दुकानदारों को लोन भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ पर आए और तमाम टपरियों को तोड़ दिए। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर कम से कम 20 से 25 टपरी थे, और यानी कि 20 से 25 परिवार का पेट पल रहा था। अब अगर यहाँ के अगर दुकान तोड़ दिए गए, तो आप सोचिए कि वो अपना घर कैसे चलाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तमाम दुकानें आप देख सकते हैं, ये बस स्टॉप को लगकर फुटपाथ पर बनाए गए हैं, जो अवैध है। सिडको ने, महानगर पालिका ने इसे क्यों बख्श दिया, क्यों उसे अवैध नज़र नहीं आया, ये सोचने की बात है। क्या उन्हें कोई चढ़ावा मिलता है, या कुछ और बात है, या किसी नेता का है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल तमाम टपरियों को तोड़ दिया गया है, लेकिन 30 से 25 परिवार अब इस भेड़ खून में खोए हुए हैं कि उनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। चैनल पोषण रोशन के साथ मैं गोपाल झा, ग्राउंड सर्वे न्यूज, नवी मुंबई। मैं जिन लोगों से मिला, उन लोगों ने अपने दुकानों के दस्तावेज दिखाए, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई, और आज महानगर पालिका हो या सिडको के अधिकारी जो इन दुकानों को अवैध बता रहे हैं, ठीक उसके सामने ही जो अवैध हैं उन्हें नहीं तोड़ा गया, उन्हें बख्श दिया गया, आखिर वजह क्या थी? और जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई, क्या उन्हें भी सजा मिलेगी? तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम इसी तरह की सामाजिक खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।